अस्सलाम वालेकुम हुसैन जी, आप लोग सब कैसे? हमारे तमाम देखने वाले अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अलहमदिल्ला आपकी जैसे आज भी ठीक ठाक है और गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। रात में देखिए बारिश आई थी लेकिन इससे पैसा नहीं पड़ा और मजीद आप देख रहे होंगे, आप लोग भी घर में होंगे किस कदर गर्मी लग रही है। सुबह से हमें गर्मी नहीं है, आज के लिए सौदा वगैरह भी लेनी नहीं गई। अब का वगैरह से सबसे सारी सोचती रहती हैं, बड़े कलेजी की फैमिली से हजर मालूम चली जाए और देश प्रदेश की जगह हमें देखा अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अलहमदिल्ला से सबको बस अभी देखी हुई थी, कल रमजान ने मेरे साथ सरप्राइज किया और वो भी आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि रमजान ने मेरे सरप्राइज दिया, देखिए मेरे लिए रमजान कल कॉस्मेटिक का सामान लेकर आए। और आपको पता है लेडीज़ को ये चीज़ें कितनी पसंद है, देखिए एक अदद परफ्यूम है, परफ्यूम की खुशबू भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये देना फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रा सा बस यूज़ करा था और बहुत अच्छे सा रिजल्ट है। देखें आप लोग भी ये यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर नाम ये है, ज़रा सा मैंने लगाया था, बहुत फ़र्क पड़ा। इसी के इसी कंपनी के फेस पाउडर भी दिया है, ये हाईलाइट है ये भी लिया है। और ये देखिए पूरा आउटलाइन का पैकेट मिल रहा था, ये भी मैंने ले लिया, ये डिस्काउंट के साथ मिला था, इन्होंने लिख दिया मेरे को। और ये है आईलाइनर है ये, और ये गाइस फैशन है, ये देख लीजिए ये माशाल्लाह का मैंने आज यूज़ करा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट नज़र आया। आप देख लेना मेरा खोपड़ा भी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए, काम की चीज़ लेकर आए और इसलिए ये आखिर में लगाते हैं, इससे बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को ना। दरअसल मैं चीज़ें दरअसल मैं ज़्यादा ये है ना फेशियल वगैरह नहीं करती, तो थोड़ा मुझे स्किन में मेरे को जलन वगैरह हो रही थी, लेकिन इसके बाद नॉर्मल हो गया। मैंने बोला कि आप यूज़ करो तो आपको आदत भी पड़ेगी और आपकी स्किन भी अच्छी होगी। लेकिन देखिए बहुत खुश है, बहुत आप भी इसमें आपको अच्छी लगेगी चीज़ें कमेंट में बताइएगा मुझे। पहले इसी तरह मैं सर वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। आज खाने में हम बना रहे हैं कढ़ी और गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने कहा कढ़ी बना लेते हैं। गर्मी इतनी होती है इतनी कढ़ी मजे भी लगती है, तो आज हम आपके साथ कढ़ी शेयर करें। ये मैंने आधा पाव दही लिए, आधा पाव बेसन है, पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मोटी मोटी दो प्याज, अदरक लहसुन का छिलका भर के, नमक, नमक मैं कम खाती हूँ तो मैं कम डाल रही हूँ, आप लोगों को जैसे अच्छा लगे आप लोग वैसे। एक चम्मच कुटी हुई मिर्ची, एक चम्मच हल्दी, आधी चम्मच, ये सब चीज़ें हो गई। अब पहले इनको मिक्स करेंगे, आधा पाव की बनानी है तो वो भी इसी तरह ही बनेगी। अगर आपको बेसन है ना ग्रेवी के लिए ज़्यादा रखना है तो आप एक पाव के रखेंगे, तो फिर पकौड़ों के लिए आपको आधा किलो बेसन लेना पड़ेगा। अभी हमने पकौड़ों के लिए एक पाव से थोड़ा सा कम लेना है, ये हम दो बंदे हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह मेरी कढ़ी काफ़ी बढ़ती है और कढ़ी वैसे जो बनाना चाहिए तो सबको देना चाहिए, कढ़ी का उसूल ही होता है कि आप सबको दें ना कढ़ी, आप लोग भी बनाते होंगे तो सबको देते होंगे। बगैर इसको मिक्स करके पानी डाल के रखते हैं, जैसे इसमें बॉयल आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो सभी बैठे हुए हम लोग चाय पी रहे थे, रमजान उधर बैठे हैं कंप्यूटर का काम कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। टाइगर मुझसे नाराज होकर बैठा क्योंकि मैंने टाइगर को खाना नहीं दिया। बोले टाइगर नाराज हो गए बेटे, टाइगर टाइगर नाराज हो गया टाइगर, अभी खाना दूंगी, नाराज नहीं हो, नाराज नहीं हो। जैसा आज हमारा कंप्यूटर तो तंग कर रहे थे, रमजान कंप्यूटर से कर लूँ, मैंने चले आप कंप्यूटर से करें, हम चाय पी लें और चले कड़ी को देखते हैं कहाँ तक पहुँची है। ये देख लीजिए हमारी कड़ी काफ़ी तैयार हो चुकी है, बस इसमें थोड़ा सा और पक जाए फिर पकौड़ों की तैयारी करेंगे हम। जय
लकड़ी पकने लगती है कि साइटों पे लगने लगती है, इसकी ये निशानी है। अभी थोड़ा टाइम है, इसको और पकेगी। चूल्हा थोड़ा सा तेज कर देते हैं और ये हमने पकौड़ा का बैटर तैयार करके रखा हुआ है। ये रे, बस अब जैसी कड़ी तैयार होगी फिर पकौड़े बनाएंगे। बस पकौड़ों का काम रह गया है। मैं चाय पी लूँ, आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। चले तो अभी आपसे मिलते हैं। अब हमने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं, थोड़े से बन गए, हमने डाल दिए हैं। कुछ का आपको भी दिखा देते हैं। बस गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। बेसन ने थोड़ा धोखा दे दिया, बेसन थोड़ा चिपकने वाला है। एकदम भरा रहा तैयार हो चुका है। प्याज है, गोल मिर्ची है और जीरा है। बस ये लिया है। आज कड़ी पत्ता नहीं था हमारे पास, मुझे चले क्या जाते हैं। आज कड़ी पत्ता नहीं था, कोई मतलब नहीं है। और कड़ी पत्ते से कड़ी का मजा आएगा। आपको अच्छा लुक लग रहा होगा। इतनी गाड़ी ये अलहमदुलिल्लाह हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार चटपटी सी कड़ी, और साथ में हमने बनाएंगे भी रोटी। अब इनके पहले कड़ी बना लेते हैं। आपको पता है कड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है कड़ी पकने में देर लगती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज की मेरी रेसिपी, आज का मेरा ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ आगे को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के।